तो वैक्सवेफ एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस डेटा एंड फेस वैल्यू को छोड़ करके। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.03 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26.2 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.1 लाख का रेवेन्यू। तो अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.89 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.53 लाख का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा किया था। तो अगर यहाँ से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.97%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.82% एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 9.09%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट मार्जिन में। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 10.23 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 74,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। एंड स्पेशली अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए तो इन फिगर्स अगर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे 100 गुना से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपेयर टू दिसंबर 2021 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस की वैल्यू है 0.85 की, सितंबर 2022 में ये था 0.06 का एंड दिसंबर 2021 में यह था 0.01 का। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस स्टे सेफ।